आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजार की तरह बिल्कुल फ्राइड राइस। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है और हेल्दी भी है और आराम से घर पर बन भी जाती है। इसके लिए मैंने सब्जियाँ ली हैं, अदरक लहसुन मिर्ची प्याज शिमला मिर्च बीट बीन्स गाजर टमाटर। आपके पास जो सब्ज़ी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो। मेरे पास जो थी मैंने ले ली है। ये बॉयल राइस है, मेरे पास बचे हुए चावल थे कल के, मैंने वो यूज़ किया है। आप अगर ताज़ा चावल बना के उसे ठंडा करके लें, अगर ताज़ा ले रहे हैं तो। अब इधर एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें तेल डालेंगे और अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ डाल देंगे पहले। और पैन बिल्कुल हाई फ्लेम पे गर्म होना चाहिए। और फिर कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का भून लेंगे। उसके बाद कटी हुई सब्जियां बीन्स गाजर शिमला मिर्च बीट सारी सब्जियां डालकर हल्का सा सौते करेंगे। इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं। अब टमाटर डाल देंगे कटा हुआ, चावल ऐड करेंगे, उसे हल्के हाथ से चलाएंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, सोया सॉस डालकर मिक्स कर लेंगे, थोड़ा विनेगर इसे भी डालकर मिक्स कर लेंगे। जब भी आपको सब्जी या दाल बनाने का मन ना हो तो ये चावल बना के फ्राई राइस बना ले। देखिए तैयार है हमारा फ्राई राइस, इसे सर्व करेंगे। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है और हेल्दी तो है ही। आप लंच में डिनर में जब चाहें तब इसे बनाकर खा सकते हैं। आसानी से बन भी जाती है और टेस्टी भी लगती है। और ये कंप्लीट फूड है, इसमें वेजिटेबल भी है राइस भी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।